बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपको समझाया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज है ये 1.4। ठीक है, देखो भी जब एक्सरसाइज करो तो एक बार डेफिनेशन वगैरह जो आपको समझाया था वो एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो निकालते कैसे, क्वेश्चन बाद में करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, बाद में शुरू करेंगे। इधर देखो, जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस में 3, जो भी आप लेना चाहो। ठीक है, अब प्लस 1 में क्वेश्चन करते थे, अगर आपसे यूं कहा जाए एफ ऑफ एक्स निकालो, आपको यूं कहा जाए एफ ऑफ एक्स निकालो या एफ सर्कल एफ निकालो, एक ही बात है। हम जैसे ही सर्कल को हटाते हैं ना, हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। आपको पढ़ना कैसे इसको, एफ ऑफ एक्स। अब इस x का मतलब ये नहीं कि x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस x का मतलब ये है कि हमारा जो f है वो x का फंक्शन है। तो जो f सर्कल f जो कंपोजिशन आएगी वो भी क्या होगी, x का ही फंक्शन होगी। किसी भी फंक्शन की कंपोजिशन हम खुद के साथ कर सकते हैं, या f और g दो अलग अलग फंक्शन है उनकी कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने प्लस वन में किया था एफ ऑफ एक्स, लेकिन ये नोटेशन हम 12th में पढ़ रहे हैं, हम इसको एफ सर्कल एफ लिख सकते हैं। अगर इसको छोड़ के आपसे यूं कहा जाए एफ ऑफ एक्स निकालो, तो मेरे ख्याल में सारे बच्चे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये वाला एफ हमने एज इट इज रख लिया और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी, कितनी है 2x प्लस 3। अब जैसे एफ ऑफ एक्स आपके पास है और आपको एफ ऑफ टू निकालना है, तो आप एफ ऑफ टू निकालने के लिए क्या करते थे, एक्स की जगह 2 रखते थे या नहीं। अब वही बात, अभी हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ 2x प्लस 3 निकालना है। तो हम एफ फंक्शन में जाएंगे और एक्स की जगह 2x प्लस 3 रखेंगे। जब एफ फंक्शन में गए और एक्स की जगह 2x प्लस में 3 रख दिया, और ये प्लस में 3 आपका एज इट इज, हमने सिर्फ इस x की जगह 2x प्लस 3 रखा और उसको सोल्व करें तो 4x प्लस में 6 और प्लस में 3 तो 9 आ गया, नहीं आ गया। यानी कि ये चीज हम पढ़ चुके, लेकिन तब हमने सिर्फ डायरेक्ट पढ़ा f(x), उसी को हम क्या कहते हैं, f सर्कल f। एक एग्जांपल और देखो, जैसे आपको f(x) फंक्शन तो यही है 2x प्लस में 3, और एक फंक्शन हमारे पास है g(x), जो आप लेना चाहो ले सकते हो। हमने x प्लस में 2 ले लिया, आप स्क्वायर में ले लो। एक बार छोटा सा एग्जांपल लेते फिर हर टाइप क्वेश्चन हम करेंगे। अगर आपसे यूं कहा जाए g सर्कल f निकालो, पिछले पार्ट में था f की कंपोजिशन f के साथ ही, अब g की कंपोजिशन f के साथ करवा ले। f सर्कल g पूछे, g सर्कल f पूछे, हम पहले निकाले g सर्कल f। तो मैंने यहां लिख दिया x, क्योंकि g और f दोनों फंक्शन x के हैं। तो भाई हमारे जो कंपोजिशन से जो नया फंक्शन आएगा वो भी x का ही फंक्शन होगा। भाई x का ही फंक्शन होने का मतलब है कि जो हमारा फंक्शन होता है वो किसी ना किसी वेरिएबल में तो होता है ना, x में हो सकता है, t में हो सकता है, थीटा में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, g ऑफ सर्कल हटा दिया, ब्रैकेट लगा दी, f ऑफ x। अब g फंक्शन एज इट इज बाहर ले लिया और f ऑफ x हमारा 2x प्लस में 3 है। अब देखो ध्यान देना है, तब तो हमारे पास एक ही फंक्शन होता था, हमें ध्यान रखना है बाहर कौन है, g। g वाले फंक्शन में जाएंगे और x की जगह 2x प्लस 3 रखेंगे। हम गए g वाले फंक्शन में, जहां x नजर आया वहां पे 2x प्लस में 3, और जो उसके पास खुद था तो वो यूं का यूं आ जाएगा 2। तो ये हमारा आ गया 2x प्लस में 5। आपको इस तरह से निकालना है g सर्कल f। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हमें f सर्कल g निकालना हो, तो f सर्कल g ऑफ x का मतलब है f ऑफ g ऑफ x। अब f तो हमने बाहर ले लिया और g ऑफ x क्या है, x प्लस में 2 है। अब ध्यान से देखो, यहां पे g बाहर था, यहां f फंक्शन बाहर है, तो f फंक्शन में जाएंगे, x की जगह x प्लस 2 रखेंगे। यहां पे गए और हमने x की जगह x प्लस 2 रख दिया और प्लस में हमारे पास था 3।
अगर हम इसको सोल्व करें तो 2x प्लस में 4 और प्लस में 3 तो 7 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हमने निकाल दिया जी सर्कल एफ, ये निकाला हमने एफ सर्कल जी। और पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि फंक्शन की कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं होती, एफ सर्कल जी नॉट इक्वल टू जी सर्कल एफ। और आप यहाँ चेक भी कर पा रहे हो जी सर्कल एफ तो 2x प्लस 5 और एफ सर्कल जी 2x प्लस 7, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो ये तो हमने साथ के साथ शो कर दिया भी कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं होती, लेकिन हमें जो कंपोजिशन निकालनी है वो आपको निकालनी इस तरह से है। अब इसमें आपका एफ फंक्शन बदल जाएगा, जी फंक्शन बदल जाएगा, लेकिन आपको सोल ऐसे ही करना है। अगर आपसे यूं कहे जी सर्कल जी निकालो, तो जी सर्कल जी ऑफ एक्स यानी कि जी ऑफ एक्स, तो वैसे ही सिर्फ जी फंक्शन के बेस पे हम इसको सोल्व कर देंगे। अब देखो, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है अभी, ये कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेना है। इसके अंदर देखो, यू कहता है एफ का डोमेन है 2, 3, 4, 5 और वही रेंज है 3, 4, 5, 9। जी फंक्शन दे दिया 3, 4, 5, 9 और उसका डोमेन और कोडोमेन दे दिया 7, 11 और 15। अब आपको ये पढ़ना आना चाहिए, ये क्या कह रहा है अभी, एफ ऑफ 2 बराबर 3, तो हम इसको पढ़ेंगे 2 की रेंज 3 है, 3 की रेंज 4 है, 4 की रेंज 5 है और 5 की रेंज भी क्या है, 5 है। ये एफ फंक्शन की बात हो रही है, यानी कि यहां पर अगर मैं एफ को रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा कि भाई 3 की जो रेंज है, सॉरी 2 की जो रेंज है वो 3 है, दूसरा 3 की जो रेंज है वो 4 है, 4 की जो रेंज है वो 5 है और 5 की रेंज भी क्या है, 5। ये है। अगर आप इसको एरो डायग्राम से बनाना चाहते हो बना सकते हो, इधर दो सेट ले लेंगे, एक में 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 9 और जिसको जिससे ये कह रहा है वैसे मिला देंगे। अगर जी फंक्शन को लिखे तो जी फंक्शन की जो रोस्टर फॉर्म आएगी, ध्यान से सुनना, उसमें कहते हैं कि 3 की रेंज 7, 3 की रेंज 7, उसके बाद 4 की रेंज भी 7, 5 की रेंज 11, 9 की रेंज 11, ये हमने जी लिख लिया रोस्टर फॉर्म में। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि जी सर्कल एफ बताओ। अब जी सर्कल एफ बताओ का मतलब ये है कि जिस तरह से एफ में 2 की रेंज 3 है, 3 की 4 है, जी फंक्शन में हमें पता है, वैसे ही कंपोजिशन से भी एक फंक्शन आएगा। ये बताओ जो कंपोजिशन बनी ना उसके डोमेन के जो एलिमेंट है वो कोडोमेन के अंदर कौन सा एलिमेंट क्या क्या अपनी रेंज रखेगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में आपको बताया था, मुझे ये बताओ कंपोजिशन के डोमेन का काम कौन करेगा। पीछे उस चीज को दोबारा से फिर सुनना, जी सर्कल एफ में डोमेन का काम इन चार सेट में से कौन सा करता है, जो कंपोजिशन के राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है ना, इस एफ का जो डोमेन होता है वही हमारी कंपोजिशन का डोमेन होता है। और एफ का जो डोमेन है ना वो कौन है, 2, 3, 4, 5। और इस कंपोजिशन के कोडोमेन का काम कौन करेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फंक्शन है जी, उसकी कोडोमेन का काम करता है। और जी की कोडोमेन क्या है, 7, 11, 15। अभी हमने जी सर्कल एफ निकाला नहीं है, हमने सिर्फ इतना ही पता लगाया कि जी सर्कल एफ का ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। अब हम ये पता लगाएंगे कि डोमेन के किस किस एलिमेंट की रेंज क्या क्या है। अब कैसे निकालना है, देखो भी जी सर्कल एफ के डोमेन का एलिमेंट लेके चल पड़े, बारी बारी सारे एलिमेंट उठाएंगे। सबसे पहले हमने 2 उठा लिया, हम इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 2। अब जी ऑफ एफ ऑफ 2 यानी कि 2 की रेंज कितनी है, 3, तो इस एफ ऑफ 2 की जगह 3 रख सकते हैं, गिवन स्टेटमेंट में है। और जी ऑफ 3 यानी कि 3 की रेंज जी वाले फंक्शन में कितनी है, 7 है। तो कंपोजिशन के अंदर 2 की रेंज कितनी आ गई, 7 आ गई। फिर देखो सेकंड, जब हमने जी सर्कल एफ ऑफ 3 लिया उसको क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ 3। अब जी ऑफ एफ ऑफ 3, 3 की रेंज कितनी है, 4, और जी ऑफ 4, 4 की रेंज कितनी है, 7। फिर अगला उठाएंगे जी सर्कल एफ ऑफ 4 लेंगे,
इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ ओ फोर। अब जी ऑफ एफ ओ फोर कितना है 5, और जी ऑफ 5 5 की रेंज कितनी है 11। ऐसे हम किसके निकालेंगे 5 की। जब आप 5 की निकालोगे तो वो भी कितनी आ जाएगी 11। यानी कि जी सर्कल एफ को अगर ऐसे ही रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे कि 2 की रेंज कितनी आई 7 आई, 3 की रेंज भी कितनी आई 7 आई, और भाई 4 की रेंज कितनी आई 11। और अगर आप 5 की निकालोगे ना तो 5 की भी कितनी आएगी 11 आएगी। तो हमने F और G से G सर्कल F लिख लिया रोस्टर फॉर्म में। ध्यान रखना है अब जो फंक्शन की कंडीशन थी ना वो ये अपने आप सेटिस्फाई करेगा। अपने आप सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि इसके डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के अंदर यूनिक इमेज रखेगा। आप वो चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 2 की रेंज 7 है, अब 7 3 की भी रेंज है, तो यहाँ यूनिकनेस की कंडीशन फेल नहीं हुई। यानी कि फंक्शन की कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ये हमने निकाल दिया जी सर्कल एफ। किस केसेस में? जब हमारे एफ और जी के डोमेन और कोडोमेन है वो एक फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट आएंगे तो उनमें भी हम सॉल्व करेंगे। जो अभी मैंने पीछे दो एग्जाम्पल दिए थे इनफाइनाइट सेट के केस में आपसे उस तरह से पूछेगा भी जी सर्कल एफ ऑफ एक्स निकालो जो अभी पीछे करवाया था उससे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है एफ रियल से रियल है। अब हमारे पास वो क्वेश्चन आ गए जिसमें हमारे सेट कैसे हैं इनफाइनाइट। पहले क्वेश्चन में फाइनाइट थे तो पर्टिकुलरली हर एलिमेंट के बारे में बता पा रहे थे 2 की रेंज 3 है इस तरह से। अब सेट है इनफाइनाइट, जो कहता है एफ रियल से रियल है। एफ ऑफ एक्स दे दिया एक्स स्क्वेयर माइनस में 3x प्लस में 2, और यू कहता है एफ सर्कल एफ रियल टू रियल है लेकिन वो निकालो। निकालो यानी कि एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स क्या आएगा। अगर कोई चीज नहीं भी देखता कि एफ सर्कल एफ रियल टू रियल है तो भी हमें लिखना आना चाहिए। कैसे लिखेंगे? अब एफ सर्कल एफ की बात है तो हम यहां पर कौन सा सेट लेंगे जो इधर वाले का डोमेन होता है। अब तो दोनों फंक्शन एफ है तो एफ का डोमेन कौन है रियल, और यहां पे कोडोमेन का काम कौन करेगा जो इधर वाले का कोडोमेन होता है। तो इधर वाले का कोडोमेन यानी कि एफ का कोडोमेन तो वो कौन है आर। लिख रखा है तो ठीक है वरना हमें लिखना आना चाहिए भी। अब देखो यू कहते हैं एफ सर्कल एफ ओ एक्स निकालो। ये क्वेश्चन यू का इन प्लस वन में भी है। अब देखो भी एफ सर्कल एफ ओ एक्स ये एक्स आप ऐसे में पढ़ना कि एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नहीं भी, हम ये बता रहे हैं कि एफ एक्स का फंक्शन है। एफ की कंपोजिशन एफ के साथ निकालेंगे तो वो भी एक्स का ही फंक्शन होगी। अब इसको कैसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। ये प्लस वन में था या नहीं बिल्कुल सेम यू का था। अब एक एफ हमने ये वाला बाहर ले लिया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वेयर माइनस में 3x प्लस में 2 है। अब बाहर फंक्शन कौन है एफ, हमें ये चाहिए एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ 2 निकालने के लिए एक्स की जगह 2 रखते हैं। अगर हमें ये निकालना है तो हम एफ फंक्शन में जाएंगे और एक्स की जगह एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 रखेंगे। गए थे हम फंक्शन के अंदर, यहां पर जो एक्स है उसकी जगह एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस में 2 रख दिया। यहाँ एक्स का स्क्वेयर था तो हमने भी स्क्वेयर लगा दिया माइनस में 3 बार वापिस से इस एक्स की जगह एक्स स्क्वेयर माइनस में 3x प्लस में 2 रख दिया और प्लस में फिर हमारा। अब देखो यहाँ आइडेंटिटी खोलेंगे a माइनस बी प्लस में सी का होल स्क्वेयर क्या होता है ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर माइनस में 2ab तो माइनस में 6x क्यूब हो जाएगा माइनस में 2bc तो माइनस में 12x हो जाएगा और प्लस में 2ca तो ये हमारा 4x स्क्वेयर आएगा। अंदर में जा तो माइनस का 3x स्क्वेयर प्लस में 9x माइनस 6 और प्लस में 2। अब जितना पॉसिबल आपसे सोल्व होता है आप सोल्व कर दो। x की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब, अगर x स्क्वेयर की टर्म देखते हैं तो प्लस का 9 और प्लस का 4 हमारा 13 और माइनस का 3 तो ये रह गया 10x स्क्वेयर। उसके बाद भी माइनस का 12x है और प्लस का 9 है तो माइनस का क्या आएगा 3x और हमारे पास प्लस का 6 और माइनस 6 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन भी नेक्स्ट में कहता है एफ और जी रियल से रियल है।
एफ कोमा जी रियल टू रियल, यानी कि एफ भी रियल टू रियल और जी भी रियल टू रियल, और एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और जी ऑफ एक्स है टू एक्स माइनस थ्री, और चार पार्ट पूछ रहे हैं। एफ सर्कल जी निकालो, जी सर्कल एफ निकालो, एफ सर्कल एफ निकालो और जी सर्कल जी निकालो। तो फर्स्ट पार्ट देखो भाई, हम एफ सर्कल जी ऑफ एक्स निकाल रहे हैं। ये एक्स मैंने अपनी तरफ से क्यों लगाया कि भाई एफ और जी एक्स के फंक्शन है, तो कंपोजिशन भी किसका फंक्शन आएगी, एक्स का। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अब देखो एफ ले लिया हमने बाहर, जी ऑफ एक्स टू एक्स माइनस में थ्री है। अब एफ फंक्शन बाहर है, एफ वाले फंक्शन में जाएंगे और एक्स की जगह टू एक्स माइनस थ्री रखेंगे। गए हम एफ वाले फंक्शन में और इस एक्स की जगह टू एक्स माइनस थ्री रखा, उसका स्क्वायर प्लस में थ्री बार टू एक्स माइनस में थ्री और प्लस में वन। अब यहाँ ए माइनस बी का स्क्वायर खोलेंगे तो ये फोर एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा नाइन और माइनस में ट्वेल्व एक्स प्लस में सिक्स एक्स माइनस में नाइन और प्लस में आ जाएगा आपका वन। ये सोल्व कर दो, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस का आ गया सिक्स एक्स, ये नाइन से नाइन कैंसिल, प्लस में क्या आ गया वन। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड, सेकंड में कह रहा है जी सर्कल एफ ऑफ एक्स निकालो। अब जी सर्कल एफ ऑफ एक्स यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब जी बार भी एफ ऑफ एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स प्लस वन, और अब जी वाले फंक्शन में जाएंगे और जहां पे x है वहां एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन रखेंगे। तो ये है हमारा g फंक्शन, टू एज इट इज, x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स प्लस वन और माइनस में थ्री। इसको सोल्व कर दो, टू एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया सिक्स एक्स प्लस में टू माइनस में थ्री, तो माइनस का क्या आएगा वन। हो सकता है वो इस क्वेश्चन में आपसे ये भी कह देता कि वी शो दैट एफ सर्कल जी नॉट इक्वल टू जी सर्कल एफ, तो ये तो हमारा एफ सर्कल जी था और ये जी सर्कल एफ, आप ही देख लो क्या इक्वल है, नहीं है और होंगे भी नहीं क्योंकि फंक्शन की कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं होती। फिर देखो इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में कह रहा है भी एफ सर्कल एफ निकालो। एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स प्लस में वन, और अब एफ फंक्शन में ही जाना है और जहां जहां एक्स है वहां वहां हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, उसका स्क्वायर दो, इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में थ्री बार ले लिया, फिर से एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स प्लस में वन और प्लस में वन, और अभी आइडेंटिटी लगा के सोल्व करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप कर लोगे इसको। जब जी सर्कल जी पूछ रहे फोर्थ पार्ट में, तो जी सर्कल जी ऑफ एक्स, इसको लिखेंगे जी ऑफ एक्स, जी हमारा भार है और जी ऑफ एक्स कितना है टू एक्स माइनस में थ्री, और अब जी वाले फंक्शन में ही जाना है और जहां एक्स नजर आ रहा है वहां टू एक्स माइनस थ्री, ये माइनस थ्री उसके पास था ही, तो ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस सिक्स और माइनस का थ्री माइनस नाइन। तो ये आपके फोर पार्ट थे, इसमें पूछ रहा था एफ सर्कल जी, जी सर्कल एफ, एफ सर्कल एफ और जी सर्कल जी।